ये जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जो कहा है इसको मजाक में मत लीजिएगा, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। मतलब आप सोचिए, एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की अगर ये सोच है, तो जो आम इंसान के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिन लोगों के दिमाग में लोगों ने गोबर भर दिया है, उनका क्या हाल हुआ होगा। मैं हरदम कह रहा हूं, 2014 से जो समझिए 14 साल का बच्चा था, उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने और एक गोदी मीडिया ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आज की तारीख में 24 साल का है, ना कोई इसमें कॉमन सेंस है, कब क्या बोलना है उनको नहीं पता है, उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन लोगों को जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान आके इन्होंने रोड पे बोल दिया। और सोचिए, स्टूडेंट्स का भी ये लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए, और स्टूडेंट ये जो हैं अच्छे खासे परिवार के लगते हैं, ये वो लोग नहीं है जो 200-300 रुपए में आ गए थे। इतनी गर्मी में बाहर निकलना, इनसे ये सब बुलवाना, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये कोई इस तरह भी नहीं है, सोशल मीडिया की फेक आईडीज है, ठीक है ना, फेक आईडी है, कुछ भी बोलते हैं, अपने को पता ही नहीं लगता कौन क्या बोल रहा है, ठीक है, मगर ये तो वहां पे प्रेजेंट है ऑन द कैमरा, दे आर सेइंग सच स्टूपिड थिंग्स। सो यू कैन इमेजिन, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं या टीचर्स हैं क्या पढ़ाते होंगे इनको। मतलब जो चीज आपने पढ़ी नहीं है उसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, एंड दीज पीपल आर एडल्ट्स, यू नो, एनीबडी ओवर 18 इज एन एडल्ट, राइट। सो आप सोचिए, जो नेक्स्ट जनरेशन है, कहते हैं यूथ पावर है इंडिया की, अपने यूथ पावर में कोई कॉमन सेंस ही नहीं है, यू नो। एंड आई थिंक ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जो डिग्री है ना, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी से ही मिलती है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलना बंद कर दीजिए, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी बोलिए। इट्स वेरी सरप्राइजिंग एंड आई फील वेरी सैड अबाउट वन थिंग, जो अप्रवासी भारतीयों के बच्चे जो कर रहे हैं अमेरिका में, आज की तारीख में लंदन में जिस तरह से काम कर रहे हैं, द वे दे आर, यू नो, इन द सेंस एस्टैब्लिशिंग देयर फ्यूचर, इज सो मच ऑफ डिफरेंस, ह्यूज मैसिव डिफरेंस। और ये उन लोगों को पता रहेगा जो लोग दोनों जगह रहते हैं, ये उन लोगों को नहीं पता रहेगा जो आज तक नेपाल ही नहीं गए, बंबई नहीं गए आज तक, उन लोगों को तो कैसे पता रहेगा कि लंदन में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले, या इन यूएस के अंदर पर्ड्यू में, येल में, यू नो, एनवाईयू में, कोलंबिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनकी सोच क्या होगी और इनकी सोच क्या होगी। आप किसी भी इंसान से पूछ लीजिए इस बारे में, जो ये अगर ये वीडियो दिखा के, तो ये यही बोलेंगे, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो इन डेंजर नाउ, मैसिव डेंजर, क्योंकि ये लोग क्या पपेट्स बना रहे हैं, ये लोग एक तरह से गुलाम बना रहे हैं, इनकी सोच के गुलाम बन गए यूथ, 18, 19, 20, 21, 22 ईयर्स ओल्ड ये यूथ है। हम लोगों ने भी कॉलेज इंडिया से किया है, हम लोग भी स्कूलिंग सब किया है, मगर हम लोग के टाइम पे ये सब नहीं था, बिल्कुल नहीं था, इम्पॉसिबल बात है। और उन स्टूडेंट्स को आप ड्रैग करके ले जा रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस के बाहर, मतलब इतना ज्यादा वेनम भर रहे हैं ये लोग, एक अपनी आइडियोलॉजी की वजह से, कि दूसरी आइडियोलॉजी के खिलाफ इतना ज्यादा जहर भर दो कि कल इन लोगों की तो दोस्तियां भी नहीं होगी। आप बताइए, इन लोगों की आज की तारीख में, इन लोगों की तो अगर दे वोंट गेट मैरिड ऑल्सो, दे वोंट गेट मैरिड, बिकॉज जो गर्ल होगी या बॉय होगा अगर वो दूसरी आइडियोलॉजी का हो, सो इन लोगों के तो दिमाग में इतना गोबर भर दिया गया है, और जो प्रोफेसर ने इन लोगों को पढ़ाया गया वो तो निकाल के गोबर भर दिया, तो कभी एडजस्ट ही नहीं होंगे, तो इन लोगों के रिलेशनशिप भी फेलियर होंगे, गारंटीड होंगे, यू नो, 100%। दे कैन नॉट, यू नो, इन द सेंस जिसके असिमिलेट विद अदर कम्युनिटीज, अदर पीपल हु हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, बिकॉज दे आर नॉट कट टू बी ऑन अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, दे आर ओनली कट टू बी ऑन अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग। इनके पेरेंट्स पे तो मुझे दुख होता है भाई, मैं सही बताऊं, उन लोगों ने इतना पैसा लगा के अपना और सब चीज इन लोगों को पढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, और ये काम ये कर रहे हैं, मतलब खुद का भी तो दिमाग लगाना चाहिए यार। 18, 19, 20 साल का लड़का सब जानता है, और आज की तारीख में वो खुद मना कर सकते हैं, भाई हम नहीं जाने वाले स्टूपिडिटी में, आप लोगों को जो करना है वो करें। सो दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस फिनोमेना, आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट गोइंग टू, यू नो, इन द सेंस, आज की तारीख में आप लोगों को पता ही लगेगा, बट इफ दिस आइडियोलॉजी कीप्स ऑन, यू नो, इन द सेंस रनिंग, बाय 2030 और से बाय 2027, यू विल सी द universities are going to become like a war zones, because in university there will be two different ideologies, jo wahan bhi jhagde fasad shuru ho jayenge,
जैसे रोड पे होते हैं और सब लोग करते हैं, वहां भी शुरू हो जाएगा झगड़े फसाद, क्योंकि दो बंदे बैठे हैं कैंटीन में, किसी ने बोल दिया हम तो इस आइडियोलॉजी के, वो आ गए चार पांच गुंडे यूनिवर्सिटी में ठोक ठाक दिया उन लोगों ने, मर्डर तो हो सकते हैं यूनिवर्सिटी में, यू नो एनीथिंग कैन हैपन। सो मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि जो यूएस के अंदर शूट आउट होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस एंड ड्रग्स नरकोटिक्स, तो दोनों इंडिया में आज की तारीख में आपको पता है गुजरात पोर्ट से कितना ड्रग्स निकल जाता है, कहां जाता है कुछ नहीं पता, मतलब हजारों किलो, और उसके बाद ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी लेके आ गए यूनिवर्सिटीज के अंदर। एंड ठीक है आप यूनिवर्सिटीज में करें इलेक्शंस करें, बट डोंट ब्रिंग दोज इलेक्शंस आउट ऑन द स्ट्रीट, दोज आर नॉट सपोज टू बी आउट ऑन द स्ट्रीट। अमेरिका में भी इलेक्शंस होते हैं, आप लोगों सबको पता है हर एक यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होते हैं, बट दे आर नॉट ड्रैग्ड आउट ऑन द स्ट्रीट, नीदर एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टेक एडवांटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स, नो दे डोंट डू इट, एंड इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। एंड इतना ज्यादा वेनम भर दिया है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है आज की तारीख में देश के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए। सो ऑल आई कैन से इज माई गुड विशेज टू यू एंड योर चिल्ड्रन, बट इफ दे आर गोइंग टू सर्वाइव इन दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट दे आर हेडिंग फॉर डूम, दे आर हेडिंग फॉर डूम फॉर 101%, एंड दिस सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग विल बिकम अ ह्यूज इशू इन, यू नो यूनिवर्सिटी में हमारे टाइम पे भी इलेक्शन होते थे, डी यू में होते थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी इलेक्शन होते थे, मगर कोई कहता नहीं था कि आपको कांग्रेस के ऑफिस के बाहर जाना है या आपको भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर जाके नारे लगाने हैं और इस तरह की बातें करनी है, बेवकूफ साबित कर रहे हैं अपने आप को, मतलब इंडियन यूथ आर जस्ट प्रूविंग टू द यूथ ऑफ द वर्ल्ड दैट यू नो व्हाट वी आर स्टूपिड, वी आर इडियट्स, यू आर जस्ट प्रूविंग दैट, यू आर नॉट प्रूविंग एनीथिंग, यू आर नॉट प्रूविंग योर इंटेलिजेंस, देयर इज जीरो कॉमन सेंस, जीरो इंटेलिजेंस, एंड आई विश यू गुड लक, ऑल आई कैन से थैंक यू सो मच।